भीषण गर्मी व नगर पालिका की अनदेखी से अपना अस्तित्व खो रहे ग्रीन बेल्ट के बगीचे, पर्यावरण प्रेमी बन रहे हैं हरियाली का सहारा। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल, स्वागत है आपका MP7 न्यूज चैनल में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, नगर पालिका नीमच के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वजह से भीषण गर्मी में शहर की जनता को नियमित रूप से पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। पानी के अभाव को लेकर नीमच जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भगत वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में पानी के अभाव के कारण शहर के सुंदर बगीचे दम तोड़ रहे हैं। शहर की सामाजिक संस्थाएं बगीचों को संवारने का काम कर रही है। इस भीषण गर्मी में भी निस्वार्थ भाव से पेड़ पौधों को बच्चों की तरह पाल पोस रही है तथा सामाजिक संस्था नगर पालिका के ग्रीन बेल्टों की भी देखभाल कर रही है। कई बगीचों में नल कनेक्शन तक नहीं है, बगीचों की देखभाल के लिए कर्मचारी तक नहीं है। स्वयंसेवी संस्था के लोग दानदाताओं से सीमेंट की पानी की टंकी लाकर बगीचे में रख रहे हैं तथा इधर उधर से भीषण गर्मी में पानी लाकर बगीचों में पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं। नगर पालिका में बनाए गए नए ग्रीन बेल्ट में लगे पौधे पानी के अभाव में सूख गए हैं। प्रमुख रूप से कलेक्टर कार्यालय के सामने वाले ग्रीन बेल्ट, गांधीनगर, जवाहर नगर के ग्रीन बेल्ट तथा अन्य बगीचे पानी के अभाव में सूख रहे हैं। इसके लिए नगर पालिका के अधिकारियों तथा कर्मचारीगण जवाब दे हैं तथा नगर पालिका बाग बगीचों की अनदेखी कर रही है। नीमच की सामाजिक संस्थाएं पिछले कई सालों से पौधे रोपित कर रही हैं, जो धीरे धीरे वृक्ष बन रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं शीतल छाया के लिए मुक्ति धाम में भी पौधे रोपित करते हैं तथा पानी पिलाकर सूखे पौधों को नया जीवन देने का कयास करते हैं। श्रमदान के रूप में सेवा का काम करते हैं। भगत वर्मा ने जिला कलेक्टर तथा नगर पालिका के प्रशासक मयंक अग्रवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी CP राय से मांग की है कि बगीचों के नल चालू कराए जाए या नगर के सभी ग्रीन बेल्ट व बगीचों में टैंकर से बगीचों में लगे पेड़ पौधों को पानी पिलाने की मांग करते हुए ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा के उचित प्रबंध करने की बात कही है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।